नमस्कार, भारती काकड़े डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। आज हम बनाना जा रहे कुलचा। इसे हमें घर में आसानी से बना सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए जाने कोई ज़रूरत नहीं होते। इसे हमें हेल्दी और टेस्टी कुलचा घर में बनाएंगे। आइए इसे क्या क्या सामग्री चाहिए इसे देखते हैं। रमी, कुलचा के लिए मैंने मैदा ले लिया और दही, चीनी, ये बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट, तेल, पानी। और हमें हरा धनिया ले लिया और सफ़ेद तिल लिया और बटर ले लिया। पहले हमें नमक डालते, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। हमें इसके साथ चीनी डालते, एक बड़ा चम्मच चीनी ले लिए, इसे भी डालते। हमें बेकिंग पाउडर ले लिए, इसे भी डाल लेते। हमें दही डालते हैं इसमें। इसमें हमें दो चम्मच तेल भी डाल लेते हैं। उसे मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स होने के बाद हमें जितना पानी चाहिए उतना हमें पानी डाल के आटा गोदना है। से डो बन दिया, से थोड़ा सा पानी लगाए, इसे थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, इसे डो सॉफ्ट बना लेते हैं। इसे रश करने के लिए डेढ़ से दो घंटे तक हम इसे रश के लिए रखते हैं। जो हमें गर्म जगह में रखने से ये जल्दी फूल जाता है। इसे डबल हो गया, इसे बनाना शुरू करते। पहले हमें गैस चला देते हैं। मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। जो भी नॉन स्टिक नहीं होता है इसमें हमें बनाना है, तवा हो या कढ़ाई हो, नॉन स्टिक नहीं रहना है। फिर हमें इसे गर्म करने के लिए रखते हैं। फिर हमें इसे बेल लेते हैं। हमें इसमें हरा धनिया डालते, थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल लेते हैं। हम इसे बेल लेते हैं। जिसे हमें ओवल शेप बनाना है, हम इसे पलट लेंगे और हमें पीछे से पानी लगा देते हैं। पानी लगाने से ये चिपक जाता है, फिर हमें उल्टा करने से ये नहीं गिरता है। हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। में मीडियम गैस पर रखते हैं। जैसे हमें पता होता है बबल्स आता है ऊपर से, फिर कलर भी चेंज होता है। ये हमें ऊपर से पूरा कलर चेंज हो गया है। हम इसे पलटते, हमें पलट के सेकना है। तंदूर नहीं है तो हमें ओवन भी नहीं बना सकते, तो हमें इस तरह से बनाया जाता है। ये बहुत ही आसानी है।
और हमें पूरे तरफ से सेकना है। चटनी का हो गया है, सामने से पलट देते। ये पूरी तरह से सेक लिया है, से हमें निकाल लेते। ये हमारा कुलचा अच्छे से पीछे भी बन चुका है, से सामने भी पक चुका है। इसे हमें बटर लगाते हैं। इसे बटर लगाने से अलग टेस्ट होता है। और एक बेलते इसे हमें तिल लगाते हैं। अभी सर्दी का मौसम है, तिल खाने से अच्छी बात है, तो हमें तिल डालते हैं। उसके साथ हरा धनिया भी डाल देते। इसे बेल लेते। फिर हम इसे पलटते हैं, तो हमें पानी लगा देते। कढ़ाई में डाल देते। ये कलर चेंज हो चुका है ऊपर से, इसे फिर पलट लेते। इसे इसी तरह से बुरे तरह से सेक लेना है। इसे भी सेक लिया है। इसे निकाल लेते। ये ऊपर से सॉफ्ट होते हैं, इसे भी बना लिया है। इसे भी बटर लगा लेते। इसे हमें घर में आसानी से कुलचा बना सकते हैं। और कुलचा के साथ मैंने मटर और आलू का ग्रेवी बना लिया है कुलचा के। इससे पहले वीडियो में मैंने आलू और मटर का ग्रेवी बना लिया है, इसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमें कुछ भी ग्रेवी, ये आलू मटर का और पनीर कैप्सिकम का, ये सभी मैंने बनाया है इसके पहले वीडियो में, आप इसे देख सकते हैं। और कुलचा बन चुका है, ये बहुत ही सॉफ्ट ही है ऊपर से, इसे आप भी ज़रूर बना लीजिए। और मेरा रेसिपी वॉच करने से मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद।